हे गाइस, तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मेरी फेवरेट सब्जी आलू न्यूट्री। तो उसके लिए YouTube चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। आज डेट है 2 दिसंबर, दिन है वेडनेसडे और दिन के बजे हैं पूरे 2। अभी अभी लंच किया है और लंच से पहले मैंने धो दिए थे अपने बाल, और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अजीब से हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ से, क्योंकि बहुत ही लेट लेट धोए थे घर में। और मैं आज क्या करूँगी, थोड़े थोड़े हल्के हल्के से बिल्कुल ही अजीब से हो गए हैं नीचे नीचे से, इसको ना मैं नीचे नीचे से कट कर दूंगी। तो आप लोगों के साथ भी सोचा, पहले तो मैं कट करने लग गई थी और वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि सोचा था जब मैं घर से आई थी तो मैंने एक दिन वीडियो नहीं अपलोड की थी, हालांकि मैंने वीडियो बना के रखी थी। मैं सोच रही थी उसी की एडिटिंग करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर अभी जब मैं बाल कट करने लग गई तो सोचा चलिए वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में अपने बाल जो है बस मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, नीचे नीचे से सीधे कर देती हूँ, बिल्कुल अजीब से हो जाते और फिर एक महीने में ही बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर एकदम से ही बढ़ जाते हैं। और इस बार मैंने काफ़ी टाइम हो गया बाल कट नहीं किए, क्यों मैं कट इसीलिए नहीं करती हूँ ताकि इकट्ठा जैसा जूड़ा बना के रखूँ, फिर वो खुलता नहीं है चाहे फिर उसमें कुछ भी लगा हो चाहे नहीं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं करती हूँ अब अपने हेयर की कटिंग। थोड़े थोड़े ही कट करूंगी, ज़्यादा कट नहीं करूंगी, नीचे से बिल्कुल सीधे कर दूंगी, अजीब से हो गए हैं। तो सबसे पहले तो अभी मैं धूप में बैठी थी, ऊपर धूप में बैठ के आई और धूप में अच्छे से बाल सुखाए। और हाँ, यहाँ पे ना बाल धोने के मज़े आ जाते हैं, तो मैंने हफ्ते में 2 बार बाल धो दिए हैं। ठंडी का पता ही नहीं चलता है, घर में बाल सूखते ही नहीं है, और वहाँ पे ना मैं संडे टू संडे ही फिर बाल धोती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो रही धूप की बात। धूप इतनी है ना, यहाँ देखिए मैंने सिंगल ही स्वेटर वियर की है, और यहाँ रूम में भी देखिए अंदर तक, अभी अंदर हल्की हल्की लगनी शुरू हो गई है, अंदर तक धूप आ जाएगी। तो चलिए अपने बालों की कटिंग करती हूँ, क्योंकि बालों की कटिंग भी ज़रूरी होती है, फिर बाल जो है अजीब से जो होते हैं ना वो निकल जाते हैं साइड में। चलिए फिर बालों की कटिंग करती हूँ शुरू। मैं सबसे पहले तो अपने बालों में कॉम करूँगी, कंघी करूँगी, और मैं सीजर ये लाई हूँ अपनी जो कपड़ा कट करने की होती है ना उससे कट करूँगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने बालों को कॉम करना है इस तरह से। मैं इसी तरह से ही कटिंग करती हूँ, जब भी कटिंग करती हूँ इसी तरह से ही कटिंग करती हूँ अपने बालों की। तो यहाँ पे कटिंग करूँगी मिरर के सामने इस तरह से, अच्छी तरह से। बालों की वो देखूंगी कहाँ तक मेरे बाल जो है अच्छे आ रहे हैं, मतलब कि इस तरह से, क्योंकि मेरे जो है ना बाल वो नहीं है, 2 मुहे वगैरह जिनको बोलते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर ऑयलिंग करती हूँ। और घर में जाके ना मैंने ऑयलिंग तो की थी, लेकिन शैम्पू मैं हर कोई यूज़ कर रही थी, इस वजह से थोड़े अजीब से हो गए थे। तो शैम्पू मुझे जो है हर्बल शैम्पू ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं अपने बालों की लेंथ को ले लूँगी, और जहाँ से मुझे लगेंगे ये हल्के से दिख रहे हैं वहाँ से मैं इनको कट कर दूंगी। तो इसके लिए मैं पहले वहाँ पे रबड़ लगा दूंगी, रबड़ बैंड, और उसके बाद कट करूंगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे जो ये वाली लेंथ है ना मेरे बालों की, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो बस इसको ही कट कर दूंगी मैं। से
बालों को कट किया है मैंने, इतने से बालों को, तो इनको भी मैं रख दूंगी अब साइड में। और ये रहे मेरे बाकी के बाल, तो इस तरह से कट करके दिख रहे होंगे, ये आगे हैं। अब इस तरह से देखिए, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं ना, भरे भरे से। यहाँ देखिए नीचे से, ये कट करने बहुत ही ज़रूरी हो गए थे, अब बिल्कुल एक बराबर हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे हो गए ना, ये देखिए अब इसमें वो फालतू का सा वो नहीं दिख रहा है, ठीक लग रहे हैं ना। कुछ दिनों से हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ये कट करने ज़रूरी है, तो मैंने इतने कट कर दिए हैं, अब ठीक लग रहे हैं। ये देखिए, और बहुत जल्दी बढ़ भी जाएंगे। रौनक आ गया है, रौनक डस्टबिन फेंकने गया था। कल मुझे एक कमेंट मिला था पिंकी का बेस्ट किचन करके, बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा ही कमेंट करते रहते हैं कि आप सच्ची बताइए आप अपने बालों में क्या लगाते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपने बालों में कुछ नहीं लगाती हूँ, मैं कुछ लगाती होती या कुछ ऐसे मैं एक्स्ट्रा कैसे बोल सकती हूँ। तो जो मैंने बताया है, सरसों का तेल, हर्बल शैम्पू, और बस इतना ही करती हूँ मैं अपने बालों के लिए। इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं की। और यहाँ पे पी रहे हैं हम शाम के टाइम की टी, वो भी 6 बजे, और हमारे घर में जो रौनक की पसंद है वो ही देखते हैं टीवी पे। ऐसा करने से ये कांटे आर पार भी निकल सकते हैं। हमारे घर में या तो डिस्कवरी चैनल लगता है, या फिर कार्टून लगते हैं, या हिस्ट्री चैनल, नेशनल जियोग्राफिक, बस रौनक के यही होते हैं। और रौनक की वही बातें माइंड में घूमती रहती है, और बाद में ये मुझसे पूछता रहता है वही सब बातें जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसका ज़्यादातर यही है। किसको देख रहे हो आप? OMG में कौन है? थ्री इडियट का मेन करेक्टर ना? हाँ जी, थ्री इडियट का मेन करेक्टर। रौनक इस टाइम देख रहा है सोनम वांगचुक को, जो इनका रियल नेम है, और इन्हीं के ही करेक्टर पे जो थोड़ी बहुत बोलते हैं ये, कि थोड़ी बहुत इनसे मेल खाती हुई जो थ्री इडियट बनी है, वंसुक वांगड़ू का करेक्टर, तो वो देख रहा है रौनक। तो उनका इस पे हिस्ट्री चैनल पे उनका आ रहा है थ्री इडियट में, जिनका मेन करेक्टर था वंसुक वांगड़ू का, तो रौनक को बड़ा पसंद आता है। और अभी बचे हैं शाम के 7, मैंने पी है अभी चाय, क्योंकि आज के दिन मैं सो गई थी, क्योंकि आज का दिन कुछ खास ठीक नहीं था। घर से बहुत सारी बैड न्यूज़ सुनने को मिली, तो दो दो बैड न्यूज़ मिली सुनने को। हमारे ही गांव से है, मेरी ननद लगती है, तो उसके ससुर जी का भी न्यूज़ आया कि वो नहीं रहे। ननद ने फ़ोन किया था, फिर डैडी जी ने भी फ़ोन किया, और मेरे मामा जी लगते हैं वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे अचानक से ही किसी का भी फ़ोन आ जाता है, और हर दिन की कोई ना कोई न्यूज़ मिल रही है। तो थोड़ा एक घड़ी तो मैं ऐसी ही हो गई थी, जब मैं हेयर कट कर रही थी ना, उसके बाद भी मुझे कॉल आया, दोनों कॉल आई। उसके बाद थोड़ी देर पहले मम्मा की आई, और उसके बाद उनकी आ गई थी, ननद की मेरी, कि ऐसा हो गया है। तो उनके जो मेरे गांव से दिए ना, वो ससुर बीमार थे काफ़ी टाइम से, तो जो मेरे मामा जी थे वो तो बिल्कुल ठीक थे, उनको अटैक आ गया, हार्ट अटैक ही, वो बिल्कुल ठीक थे, वो रहे थे कि बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं। तो अब पता नहीं, एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से अब एकदम से ही इस महीने तो इतने सुन लिया ना, जो नवंबर का महीना गया, और दिसंबर का भी देखो आज फिर सुनने को मिल गया, तो थोड़ा अजीब जैसा लग रहा था। फिर सोचा कि वीडियो क्या, मैं तो फिर सो ही गई, और फिर अभी उठी हूँ, और यहाँ पे इतना अच्छा है ना, गरम गरम जैसा, क्योंकि ऊपर छत गरम हो जाती है, और यहाँ सामने ही धूप आती है, तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। अभी हल्की सी ठंड है, मैं आ गई हूँ किचन, तो सोचा कि आलू, उस दिन की वो फूलगोभी और गाजर लाए हैं, उसको बनाने का था, रौनक ने मना कर दिया। रौनक बोल रहा है कि उसे ना आज राइस खाने हैं, और फिर बोल रहा है कि मुझे न्यूट्री, बच्चे कैसे होते हैं ना, मुझे आलू न्यूट्री खाने, रौनक की आलू न्यूट्री जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो फिर मैं भी वही बना दूँगी और फटाफट से। और ये बर्तन यहाँ पर देखिए, ये लंच के बर्तन थे, तो हस्बैंड घर पर ही है आज, आज उनका रेस्ट है, और उन्होंने ये। अरे ये आज मेरे किचन में कौन आया है? So, hey guys, तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मेरी फेवरेट सब्जी आलू न्यूट्री। तो उसके लिए मेरी मम्मा ने यहाँ पर आलू को
बॉईल कर यहाँ पर रख दिया है। और ये देख लीजिए न्यूट्री को भी पानी में डालकर अच्छे से फुलाकर यहाँ पर रख दिया है। और जो यहाँ पर और यहाँ पर जो रखा है ये मेरी मम्मा आपको बताएंगी, मम्मा ने यहाँ पर कुछ प्रिपरेशंस की है। और ये है लहसुन, ये है हरी मिर्च, ये है अदरक और ये है अनियन, ये है लाल टमाटर और ये है कोरिएंडर, हरा धनिया, और जो ये है ना ये है बहुत ही ज़्यादा यम यम कोलत। और इन कोलत की मैं बनाऊंगी इंद्रे कोटगड़ी। कोटगड़ी क्या पहाड़ी ट्रेडिशनल डिश होती है। अच्छे से छांट के गर्म पानी से इनको मैं धो लूँगी और ओवरनाइट सोक करने के लिए रखूँगी। और सुबह में उठ के मैं क्या करूँगी, मैं इनको सिलबट्टे पे पीसूँगी ना कि मिक्सी पे। और सिलबट्टा जैसे कि मैंने आपको, रौनक साइड हो जाओ बेटा, ये है, ये दिखाया है, ये वाला सिलबट्टा है और ये है इसका आठड़ा, इसके ऊपर पीस के फिर वो प्रोसेस मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको मैं रख देती हूँ अभी यहाँ साइड में। तो रौनक को जो है आज लगाना है अपनी फेवरेट सब्जी में तड़का, तो उसके लिए मैं कट करके दूंगी ये सब कुछ। और ये सब कुछ सब्जी में नहीं पड़ेगा, इसमें से जो आधी चीज़ें हैं जैसे कि ये लहसुन अदरक भी देखिए दो टुकड़े किए मैंने, दो मिर्चें और आधे ये अनियन, ये छोटे छोटे ऑनियन थे जो पहले के बचे थे तो मैंने सारे ही कट कर दिए। इसकी मैं एक चटनी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, बहुत ही ज़्यादा यम चटनी होती है। इस चटनी को हम मोमोज के साथ भी खाते हैं और पकौड़ों के साथ भी खाते हैं, मुझे तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी बना के रखूँगी, शायद कल मैं फिर देखूँगी मोमोज बनाऊँगी या फिर खाने के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। तो चलिए पहले तो मैं इस फटाफट कट करके देती हूँ, रौनक आज खुद से तड़का लगाएगा। तो रौनक ने एक बार कड़ी बनाई थी ना और रौनक जो है चाय बना लेता है और अपने मैगी भी बना लेता। हाँ जी मैगी भी, और रौनक अपने लिए चाय भी बना लेता है, मैं रोटी भी बना लेता। और रौनक के फुलके भी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। रौनक बहुत अच्छी चपाती बनाता है, बीच में रौनक ने सब कुछ छोड़ दिया था तो आज से कहा है ये ज्यादातर मोबाइल में ही वो हो गया है, फंस गया है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं आज से इसको इसके खाली टाइम में अपने साथ किचन में लाऊंगी और किचन का पूरा काम सिखाऊंगी ताकि मुझे भी आसानी हो। रौनक बनाऊंगी मम्मा के लिए यम यम खाना। वहाँ है कढ़ाई, रौनक के पास चीजें मैं निकाल के दूंगी, रौनक डालता जाएगा। तो सरसों का तेल मैं इसे नहीं दूंगी, मैं दूंगी इसे ये वाला ऑयल। डालो डालो डालो। और मुझे एक कमेंट मिला था, आप इतना सारा ऑयल यूज करते हो तो देखिए इसका जो सरफेस है ना ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल ही ऑयल देखिए बिल्कुल कम है, सरफेस फ्लैट है, इस वजह से ये ऐसा दिखता है। तो रौनक ने डाल दिया है ऑयल। तो अब हम डाल देंगे इसमें मेथी। ये क्या डाला रौनक, ऑनियन? ऑनियन। अब इसको और भूनना है, भूनना है, भूनते जाओ भूनते जाओ। जूनियर शेफ, तो रौनक के हाथ की सब्जी पता नहीं कैसी होगी। ये चली गई है जी ग्रीन चिल्ली। तो अब हमारा ऑनियन हो चुका है ब्राउन और अब हम इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे। अब क्या जाएगा इसमें, और ये डल गया है हमारा सॉल्ट और थोड़ी सी रेड चिल्ली, ये डाली हूँ थोड़ी सी बस, हाँ बस इतनी सी। और ये हम मैंने घर में पीसी थी तो थोड़ी सी कोरिएंडर भी डाल दो अभी ही। कोरिएंडर ये वाला बेटा, सूखा वाला। ओके, इतना ही डालना। जीरा, रौनक को मसाले ही पता नहीं है कौन सा मसाला कौन सा है, ऐड कर दिया है। अब इसको अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जब तक ये गल नहीं जाता। और पानी में जो ये है ना, रौनक ने आधा अधूरा छोड़ा था, मैंने इसी में ही पानी दे दिया इसको, अच्छे से मिक्स कर, अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर लगा दो अब ढक्कन। दोनों ना अपने आप को ज्यादा ही वो कर रहे हैं क्योंकि
एक को मैंने यहाँ पे कुछ काम दिया और ना सारा कूड़ा नीचे डाल रहे हो आप। क्या आप बताएंगे आप क्या कर रहे हैं? वो तो मैं पत्थर निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो कितने पत्थर निकले वैसे? ये पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है इसमें पत्थर नहीं है। ये ना शायद मम्मी ने छांटे हुए हैं, तो ये मैंने इनके पास दे दिए थे यहाँ पे, तो आधे से ज्यादा तो नीचे ही गिरे हुए हैं। बिल्कुल ये मैंने निगराए हुए तो छांट के नहीं रख रहे थे। ऐसे मत करते रहो, क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने करो ऐसे करते रौनक अंदर आपने जो तड़का लगाया है वो भी देखना पड़ता है बीच बीच में। हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। ऐड कर देंगे हमारे सोया चंक्स, जिनको हम पहाड़, जिनको हम न्यूट्री बोलते हैं, और पहाड़ी में हम बोलते हैं बड़ी। क्या बोलते हैं पहाड़ी में? बड़ी। रौनक को कैसी है पसंद बड़ी? बहुत। सोया चंक्स अब करेंगे हम इनको, तो अब हम इनको कर देंगे फ्राई। क्यों? क्योंकि मैंने आज ये गर्म पानी में पहले ही सोक करने को डाल दी थी, तो ये ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऑयल में हम इनको अच्छे से फ्राई तो ज़रूर ही कर लेंगे। जितने में रौनक सोया चंक्स फ्राई करता है उतने में वहाँ इंडक्शन पर लगा देती हूँ पानी, इसके लिए हल्का सा, क्योंकि तरी वाले बनाने हैं। रौनक सिंपल सूखी बनानी है कि तरी वाली? तरी वाली, क्योंकि अच्छी तरी वाली होती है। अच्छा जी, अच्छे से फ्राई कर देंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए, ताकि ये वाइट ना दिखे, और ब्राउन होने के बाद ये बहुत टेस्टी भी हो जाते हैं, और ये वाइट भी नहीं दिखनी चाहिए, अच्छा लगता है इनका कलर ब्राउन, और ये टेस्टी भी हो जाते हैं। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस है आपको वैसे ये सब्जी बनाने का? हमको तो एक्सपीरियंस है फॉर 2.5% है। वाटर ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम इसको इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे। रौनक आपके ना ये आलू वाइट ही है, ब्राउन नहीं हुए। यहाँ पे हो रही है चटनी बनाने की तैयारी, तो मैं हरी चटनी इस तरह से बनाती हूँ, एक टमाटर डाल देती हूँ बाहर से, मैं उसको इस तरह से भून लेती हूँ। इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, तो कुछ लोग जो है नहीं डालते हैं, या कुछ लोग उबाल के डालते हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि खाना बनाने का स्टाइल अलग अलग होता है, तो मेरा ये स्टाइल है। सो अब ये हो गया है, अब इसको हल्का सा ठंडा होने दूंगी, और ये मेरा जो मसाला है इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, इसको मैं इसमें डाल दूँगी अब। तो इसमें मैं सबसे पहले एंटर कर दूँगी हमारे जो ये ऑनियन है, छोटे ऑनियन दो हैं ये, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी, और इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं ये लहसुन, और इसके बाद जो मैंने दो मिर्चें काट के रखी थी वो, और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और बहुत सारा ग्रीन कोरिएंडर, इसका इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो रौनक को मिंट की चटनी पसंद है ज़्यादा, तो अभी यहाँ पे है नहीं है, ना ही मेरे पास सूखा है ना हरा है, तो मैं ये इस तरह से इसमें डाल दूँगी। थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका छिलका निकाल दूँगी, और कट करके इसको इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर के जो छिलके हैं वो निकाल दिए हैं, और इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्का सा थोड़ा सा बिल्कुल जीरा, हल्का सा चाट मसाला, थोड़ा
थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और फटाफट से इसको मैं इस तरह से अच्छे से मैश कर दूंगी और ये वाली देखती जाऊंगी बीच बीच में। तो ज़्यादा मुझे ये पतली नहीं करनी है, थोड़ी सी दरदरी सी रखनी है। और ये देखिए, ये मेरी चटनी बनके हो गई है तैयार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी होती है। आप लोग बना के देखिएगा कभी। मेरी चटनी तो बन गई है, तो रौनक की सब्जी भी देखते हैं। आ जाओ रौनक। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है। और हमारी सब्जी देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। और अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर डाल देंगे। ये बन गई है रौनक की सब्जी और फाइनल लुक रहा ये रौनक की सब्जी का, ये देखिए। गरम पानी में डाल दिए हैं मैंने कोलथ, दो तीन बार अच्छे से वॉश किए और फिर मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे। ये पूरी रात ओवरनाइट सोक करूँगी, सुबह मैं देखूँगी सुबह उठ के या दिन को जब भी मुझे टाइम लगेगा फिर मैं इनको अच्छे से सिलबट्टे पे पीसूँगी। सिलबट्टे पे पीसे हुए जो बहुत अच्छे होते हैं, इसकी बहुत अच्छी एक डिश बनती है, इंडरा बोलते हैं जिसको। तो रौनक मेरा हस्बैंड का सबका ही फेवरेट है और उसकी एक सब्जी बनती है, फिर बाद में फ्राई करके खाते हैं। कल आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और अभी जो है रौनक की सब्जी तो बनी हुई है, लेकिन हम लोग जो है आज वो डिनर लेट करेंगे। अभी 8:30 हुए हैं, 9 बजे डिनर करेंगे क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले चाय पी थी लेट। अभी हंस रहे थे जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, क्योंकि मैं इनको बोलती रहती हूँ चुप रहो, और देखिए कैसे शरीफ बनके दोनों ही चुप हो गए हैं। इतना खौफ है, इसे कहते हैं खौफ। हेलो, इधर देखो तो डर गए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का कर देती हूँ अब यहीं पे ही एंड। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। रौनक ने आज बना दी थी सब्जी, तो एक बार इसने पहले कड़ी भी बनाई थी इस तरह से, अब मैं इसको ऐसे ही कर दूंगी, नहीं तो ये बहुत ही हो जाता है फिर इसका कार्टून। तो वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। हो जाओ शुरू अब। बकरी उठ गई इंजेक्शन के डर से। सच में ये तो बात है भाई, मुझे उठा दे। कौन सी बकरी है? क्या है बकरी? बीमार थी ना, एक बड़ी बकरी थी ना, बीमार थी ना, फिर उसको वो एक इंजेक्शन दिखाया, फिर बोलते गए उसको ये लगाऊंगा, फिर उठ गई वो। जैसे कल रौनक डर गया था इंजेक्शन से। हाँ जी।